कुट्टू का आटा। जी हाँ, ये आप देख रहे हैं इसकी न्यूट्रिशन वैल्यू 100 ग्राम में। आप देखिए इसकी न्यूट्रिशन वैल्यू कितनी हाई है और 8 ग्राम जो है इसके अंदर आपको प्रोटीन मिल रहा है, यानी 8% प्रोटीन के साथ ये ग्रेन्स में आपको कार्बोहाइड्रेट 65 ग्राम्स और फैट जो है ओनली 3 ग्राम्स और साथ के साथ जो है इसमें डाइट्री फाइबर है। तो आइए देखते हैं ये जो कुट्टू का आटा है इसके आपने देखे न्यूट्रिशनल गुण है, ये पौधा है क्या। बेसिकली कुट्टू को हम आम तौर पे बकवीट कहते हैं। जी हाँ, बकवीट। बकवीट इसका जो बॉटनिकल नेम है दैट इज़ फैगोपायरम एस्कुलेंटम। और ये दो तरह के होते हैं, जो फैगोपायरम एस्कुलेंटल है जिसको हम आम कॉमन बकवीट कह देते हैं, वो उगल भी कह देते हैं उसे, और दूसरी जो होती है तरतरी बकवीट कह देते हैं, यानी फैगोपायरम टैटेरिकम, इसको पफेर भी बोल देते हैं। जब हम प्लांट की बात करें तो बकवीट का पौधा जो है ये बाकी पौधों की तरह, अनाज पौधों की तरह नहीं है। आप देखेंगे इसके पत्ते जो हैं थोड़े से हर्ड शेप लिफ्ट हैं और ये एक चौड़ी पत्ती वाला पौधा है जिसमें कि इस तरीके से आपको सफ़ेद रंग के फूल देखने को मिलते हैं। और इसके स्टेम्स जो इसमें आप देखेंगे कि किस तरीके से फूल इसके ऊपर लगा हुआ है, ये वाइट भी हो सकते हैं या इसमें थोड़ा थोड़ा गुलाबी रंग का टिंज भी हो सकता है इन फूलों में। ये देखिए कैसे ये हार्ट शेप का लीफ आमतौर पे हमें देखने को मिलता है, तो हार्ट शेप का लीफ होगा, लाल आपको इसकी स्टेम्स दिख रही हैं और सफ़ेद रंग का जैसे कि हमने बात किया वैसे फूलों वाला ये पौधा, जो कि एक घास वर्गीय पौधा या अनाज जिसको हम सीरियल बोलते हैं वो नहीं है। ये देखिए इसमें काले काले जो हैं आपको दिख रहे हैं ये सीड्स जो हैं, ये ब्लैक भी हो सकते हैं, ग्रे भी हो सकते हैं और साइज़ इनका अलग अलग वैरायटी पर डिपेंड करता है। और नॉर्मली आप देखेंगे कि ये थोड़े बहुत त्रिकोण शेप के हैं, ट्रायंगुलर शेप है इनकी। तो ये जो ग्रेन्स हैं बकवीट के ये ट्रायंगुलर शेप्स हैं और उसका जो ऊपरी हिस्सा होता है उसे हल कहते हैं और अंदर का जो हिस्सा होता है उसे ग्रोट कहते हैं। तो बकवीट में कुछ में तो होल ग्रोट्स जो साबुत होते हैं इसके अंदर से वो छिलका हटाने के बाद उनको भी यूज़ कर सकते हैं, बाकी आटे वगैरह बन जाते हैं। तो नॉर्मली इसका ये हल्स जो है उसको हटा दिया जाता है और उसके बाद इसको हम यूज़ में करते हैं फ्लावर बना के, यानी आटे के ब्लॉक पे। अगर आपको कई बार उसमें ब्लैकिश दिख रहा है इस टाइप से तो उसमें यह है कि वो हल जो है वो उसका हल जो है वो पूरा अच्छे से वो अलग नहीं हुआ है और बड़े होने की वजह से वो उसके बीच में आ जाते हैं, इसलिए कुट्टू का आटा थोड़ा हमें ग्रेइश टाइप का मिलता है। जब हम वैरायटी की बात करें तो जैसे कि हम बात करते हैं ये देखिए ये पाउडर इस टाइप से आपको कुट्टू का आटा देखने को मिल जाता है। इसमें काफ़ी वैरायटीज़ हैं, सांगला है, VL07 है, उसके बाद OC2 कुट्टू और फैगोपायरम एस्कुलेंटम। इट्स अ फूड दैट इज़ नॉर्मली कंज्यूम ड्यूरिंग फास्टिंग इन फेस्टिवल्स एंड यू कैन सी हाउ रिच इट इज़ इन टर्म्स ऑफ न्यूट्रिएंट वैल्यू। पर 100 ग्राम इट कंटेन्स 8 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन। इट्स रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट इज देयर, फाइबर्स आर ऑल्सो देयर। सो दिस मैजिकल फूड दैट इज कुट्टू और बकवीट दैट इज कॉमनली नोन, इट इज़ अ प्लांट दैट इज़ नॉट बिलोंगिंग टू ग्रास फैमिली और ग्रामिनी फैमिली एज इन केस ऑफ राइस एंड वीट। इट्स अ डाइकोटिलेडन प्लांट विद ब्रॉड लीव्स एंड इट्स यू कैन सी द ग्रेन्स आर ब्राउनिश वाइट एंड दैट इज मेनली बिकॉज ऑफ सम पोर्शन ऑफ हस्क दैट हैज़ नॉट